हे गाइस वेलकम टू ट्विंटर वो आज की वीडियो में मैं आप सबको पंद्रह ऐसी गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हमें अगले तीन महीने अगस्त सितंबर और अक्टूबर में देखने के लिए मिल सकती हैं इस वीडियो में मैं इन कार्स के प्राइस इंजन स्पेसिफिकेशंस डिजाइन फीचर्स और कंपटीशन के बारे में बताऊंगा सो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट सबसे पहले यानी कि नंबर वन पे है टाटा कर्फ टाटा कर्व का प्राइस हमें ट्वेल्व लैक्स से लेके ट्वेंटी लैक्स तक का देखने के लिए मिल सकता है ये गाड़ी हमें ईवी पेट्रोल और डीजल तीनों ऑप्शंस में दी जाएगी ईवी की स्पेसिफिकेशंस कंफर्म नहीं है हालांकि हमें रेंज 500 किलोमीटर तक की दी जाएगी पेट्रोल में इस गाड़ी के अंदर हमें 1.2 लीटर थ्री सिलेंडर टी टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर फोर सिलेंडर टी टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा डीजल में कर्व के अंदर 1.5 लीटर फोर डर रेवोटॉक डीजल इंजन रहने वाला है ट्रांसमिशन ऑप्शंस में मैनुअल एम और सेवन स्पीड डी सी गेयरबॉक्स रहेगा टाटा कर्व कूप डिजाइन में आएगी जो कि देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और फ्यूचरिस्टिक रहेगा इस गाड़ी के इंटीरियर में हमें फुली डिजिटल क्लस्टर 10.25 पॉइंट की फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट 360 डिग्री कैमरास पेनेरमिक सनरूफ और एडास जैसे सभी लेटेस्ट फीचर्स ऑफर करे जाएंगे टाटा कर्व इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी क्रेटा और सेल्टोस जैसी सभी मिड साइज से वहीं इस गाड़ी को 7 अगस्त को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा नंबर टू पे है सिट्रॉन इस गाड़ी को कई बार टेस्टिंग करते हुए देखा गया है सिट्रॉन बेजल्ट का प्राइस हमें ट्वेल्व लैक ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिल सकता है वहीं इस गाड़ी के अंदर हमें वन लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो कि 109 हंड्रेड के साथ वन नाइनटी न्यूटन मीटर का टॉक डिलीवर करेगा ट्रांसमिशन ऑप्शन में सिक्स स्पीड मैनुअल और सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स रहने वाला है सिट्रॉन बेजल्ट बिग कर्व की तरह कोब स्टाइल मिड साइज एस यू वी रहेगी जिसके इंटीरियर में हमें डुअल डिजिटल डिस्प्ले टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम क्रूज कंट्रोल क्लाइमेट कंट्रोल पुश बटन स्टार्ट स्टॉप वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और वायरलेस एप्पल कारप्ले जैसे कई सारे फीचर्स दिए जाएंगे सिट्रॉन बेजल्ट इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी हुई क्रेटा किया टाटा कर्व जैसी कार्स से वहीं इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है। नंबर थ्री पे है टाटा पंचलिफ्ट पंच फेसलिफ्ट पंच को कई बार टेस्टिंग करते हुए स्पाइसॉट करा गया है इस गाड़ी का प्राइस हमें सिक्स लैक्स से लेके इलेवन लैक्स तक का देखने के लिए मिल सकता है पंच फेसलिफ्ट के अंदर हमें नए एलो व्हील्स के साथ अग्रेसिव और अपडेटेड डिजाइन दिया जाएगा जो कि इंस्पायर्ड रहने वाला है पंच ईवी से वहीं इस गाड़ी के अंदर हमें नया टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टच बेस एसी कंट्रोल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वायरलेस चार्जर और सनरूफ जैसे कई सारे नए फीचर्स भी दिए जाएंगे टाटा पंच फेसलिफ्ट के अंदर इंजन को कंटिन्यू करा जाएगा यानी कि वन लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 85 फाइव के साथ 130 न्यूटन मीटर का पीक टॉक निकालेगा ट्रांसमिशन ऑप्शंस में फाइव स्पीड मैनुअल और ए एम टी गेयरबॉक्स रहने वाला है पंच फेस लिफ्ट के अंदर हमें कंपनी की तरफ से सी भी ऑफर करी जाएगी वहीं ये गाड़ी इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी ह्यूडई एक्सटर सिट्रॉन सी थ्री मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स और इग्निस जैसी कार्स से पंच फेस लिफ्ट की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अक्टूबर तक की रहने वाली है नंबर फोर पे है महिंद्रा थरमाडा थार अरमाडा थार का प्राइस हमें सिक्सटीन लैक ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिल सकता है इस गाड़ी के अंदर हमें दो इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे पहला टू लीटर एमस्टॉलियन टर्बो पेट्रोल इंजन और दूसरा टू पॉइंट टू लीटर एम हॉक टर्बो डीजल इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शन में सिक्स स्पीड मैनुअल और ए एम टी गेयरबॉक्स रहने वाला है थार अरमाडा के अंदर हमें फोर बाय फोर के साथ रियर व्हील ड्राइव भी देखने के लिए मिल सकता है वहीं इस गाड़ी के फ्रंट के अंदर हमें सिक्स लाइट ग्रिल अपडेटेड एलईडी लाइट्स साइड प्रोफाइल में ब्रांड न्यू एलोय व्हील्स और रियर में सी शेप एलईडी टेल लाइट्स दी जाएंगी थार अरमाडा के इंटीरियर में हमें स्कॉर्पियो एन से इंस्पायर्ड स्टेयरिंग व्हील टेन पॉइंट टू फाइव इंचज की इन्फोटेनमेंट सनरूफ वेंटिलेटेड सीट्स रियर पैसेंजर्स के लिए ए सी वैंड चार्जिंग पॉइंट्स ऑटोडिमिंग आईआर वी एम और एडास का फीचर भी देखने के लिए मिलेगा महिंद्रा थार अर्माडा इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी फोर्स कुर्खा फाइव डोर से वहीं इस गाड़ी की लॉन्च डेट 15 अगस्त की रहने वाली है नंबर फाइव पे है एल्कजार फेस फेसलिफ्ट एल्कजार फेसलिफ्ट को कई बार टेस्टिंग करते हुए स्पाईशॉट करा गया है इस गाड़ी का प्राइस हमें सेवनटीन लैक ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिल सकता है एल्कजार फेस के अंदर अपडेटेड लाइटिंग सेटअप फ्रेश डायमंड कट एलॉय्हील्स के साथ कई सारे कॉस्मेटिक अपडेट्स रहेंगे वहीं इंटीरियर में नई लेदर अपॉलस्ट्री 10.25 इंचेस की इंफोटेनमेंट वेंटिलेटेड सीट्स डुअल जोन एसी, सी पैनारोमिक सनरूफ 64 कलर एम्बियंट लाइट 360 डिग्री कैमरास और एडास जैसे फीचर्स रहने वाले हैं हालांकि इस गाड़ी के इंजनस को कंटिन्यू करा जाएगा यानी कि वन लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और वन लीटर टर्बो डीजल इंजन हंडई अल्कजार फेसलिफ्ट इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी एम जी हेक्टर प्लस टाटा सफारी और एक्स यूवी सेवन हंड्रेड जैसी कार्स से वहीं इस गाड़ी की इंडिया में एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट सेप्टेम्बर तक की रहने वाली है नंबर सिक्स पे है एम जी ग्लॉस्टर फेस लिफ्ट ग्लॉस्टर फेस लिफ्ट को कई बार टेस्टिंग करते हुए स्पाई शॉट करा गया है फेस लिफ्ट के साथ ग्लॉस्टर के प्राइस में हमें थर्टी फाइव थाउजेंड से लेके वन लैख थर्टी थाउजेंड तक का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल सकता है हालांकि ग्लॉस्टर के अंदर हमें फ्रंट में नए ग्रिल वर्टिकल एलईडी लाइट्स वर्टिकल डी अपडेटेड बम्पर के साथ साइड प्रोफाइल में नए एलो व्हील और रियर में कनेक्टिंग एल टेल लाइट दी जाएगी इस गाड़ी के इंटीरियर में ब्रांड न्यू अपॉल नए डैशबोर्ड के साथ डुअल डिस्प्ले रहेगी जिसमें डिजिटल क्लस्टर के साथ बड़ी इंफोटेनमेंट रहने वाली है बाकी एम जी के अंदर पहले से ही सभी तरह के फीचर्स आते हैं इस गाड़ी के अंदर इंजनस को कंटिन्यू करा जाएगा यानी कि टू लीटर टर्बो डीजल इंजन जो कि 161 सिक्सटी के साथ 375 न्यूटन मीटर का टॉक डिलीवर करेगा और टू लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन जो कि 215 हंड्रेड के साथ 480 एटी न्यूटन मीटर का शानदार टॉक डिलीवर करेगा ट्रांसमिशन ऑप्शन में एट स्पीड टॉक कन्वर्टर रहने वाला है एम जी ग्लॉस्टर फेस इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी टोयोटा फॉर्चूनर और जीप मेरिडियन जैसी कार्स से वहीं इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अक्टूबर तक की रहने वाली है नंबर सेवन पे है हॉन्डा डब्ल्यू आर वी फेस लिफ्ट डब्लू आर वी फेस लिफ्ट का प्राइस हमें एट लैक ऑनवर्ड्स तक का देखने के लिए मिल सकता है इस गाड़ी के अंदर हमें दो इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे पहला वन पॉइंट फाइव लीटर फोर सिलेंडर आई वीटेक पेट्रोल इंजन और दूसरा वन लीटर थ्री सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शंस में सिक्स स्पीड मैनुअल और सी गियरबॉक्स रहने वाला है डिजाइन के मामले में डब्लू आर वी फेस लिफ्ट काफी अपराइट बोल्ड और बॉक्सी डिजाइन के साथ में आएगी वहीं वही इस के इंटीरियर में हमें लेदर अपॉलस्ट्री के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस एप्पल कारप्ले क्लाइमेट कंट्रोल क्रूज कंट्रोल ऑटोडिमिंग आई आर वी एम और एडास जैसे सभी तरह के लेटेस्ट फीचर्स रहने वाले हैं होंडा डब्लू आर वी फेस लिफ्ट इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी हुडाई वेन्यू टाटा नेक्सॉन एक्सविथ री एक्सो और ब्रेजा जैसी कार्स से वहीं इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अगस्त तक की रहने वाली है नंबर पे है 2024 नई डिजायर का के, के अंदर हमें थ्री सिलेंडर जेड सीरीज इंजन ऑफर करा जाएगा जो की साथ के साथ 112 न्यूटन मीटर का पीक टॉक डिलीवर करेगा ट्रांसमिशन ऑप्शंस में फाइव स्पीड मैनुअल और एम टी गेयरबॉक्स रहने वाला है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर मारुति डिजायर बिल्कुल नए डिजाइन के साथ में आएगी वहीं इस गाड़ी के इंटीरियर में हमें नाइन इंच का स्मार्ट प्ले प्रो टच स्क्रीन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वायरलेस चार्जर क्रूज कंट्रोल पुश बटन स्टार्ट स्टॉप सिक्स एयरबैग्स इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हिल होल्ड असिस्ट और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे कई सारे नए फीचर्स दिए जाएंगे 2024 मारुति डिजायर इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी टाटा टिगोर हिंडई और, और होंडा अमेज जैसी कार से वहीं इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट सितंबर तक की रहने वाली है नंबर नाइन पे है निशान ज्यूक निशान ज्यूक का प्राइस हमें नाइन लैख ,00 से लेके सिक्सटीन लैक्स तक का देखने के लिए मिल सकता है इस गाड़ी के अंदर हमें दो इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे पहला वन लीटर थ्री सिलेंडर डी टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि वन हंड्रेड के साथ टू हंड्रेड न्यूटन मीटर का पीक टॉक निकालेगा दूसरा वन पॉइंट सिक्स लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन जो कि काफी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट और पावरफुल रहने वाला है ट्रांसमिशन ऑप्शन में मैनुअल और सेवन स्पीड डी सी रहेगा पैडल शिफ्टर्स के साथ में निशान जूग का एक्सटीरियर काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट स्पोर्टी और फंकी डिजाइन के साथ में आएगा इस गाड़ी के इंटीरियर में भी हमें स्पोर्टी थीम के साथ 12.3 पॉइंट की इंफोटेनमेंट फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोस का ऑडियो सिस्टम और एडवांस रहेगा निशान ज्यूक इंडियन मार्केट में सभी कॉम्पैक्ट एस से कॉम्पीट करेगी वहीं इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अक्टूबर तक की रहने वाली है नंबर टेन पे है निशान एक्सट्रेल निशान एक्सट्रेल का प्राइस हमें थर्टी फाइव लैक्स से लेके फोर्टी लैक्स ,00 तक का देखने के लिए मिल सकता है इस गाड़ी के अंदर हमें दो इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे पहला वन पॉइंट फाइव लीटर टर्बोचार्ज माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और दूसरा 1.5 लीटर टर्बोचार्ज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन निशान एक्सट्रेल के अंदर टू व्हील ड्राइव के साथ व्हील ड्राइव साथन भी रहेगी वहीं ट्रांसमिशन ऑप्शंस में मैनुअल के साथ ई सीवीटी गेयरबॉक्स रहने वाला है डिजाइन के मामले में निशान एक्सट्रेल काफी ज्यादा अग्रेसिव बल्कि और डोमिनेटिंग रहेगी वहीं इस गाड़ी के इंटीरियर में हमें पेनारोमिक सनरूफ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक डिजिटल क्लस्टर बड़ी इन्फोटेनमेंट स्क्रीन वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस एप्पल कारप्ले क्लाइमेट कंट्रोल क्रूज कंट्रोल वेंटिलेशन सीट्स और एडास भी रहने वाला है निशान एक्सट्रेल इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी एम जी ग्लॉस्टर जैसी कार से वहीं इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अगस्त तक की रहने वाली है नंबर इलेवन पे है निशान मैगनाइट फेस लिफ्ट मैगनाइट को हाल फिलहाल में टेस्टिंग करते हुए देखा गया है इस गाड़ी का प्राइस हमें ऑफर ,00 करा जाएगा एल लाइट्स ब्रांड न्यू एलोई व्हील्स और स्पोर्टी बंपर्स दिए जाएंगे इंटीरियर के अंदर अपडेटेड अपॉल के साथ डिजिटल क्लस्टर फ्लोटिंग इन्फोटेनमेंट ऑटोडिमिंग आई आर सनरूफ ट्रैक्शन कंट्रोल ड्राइविंग मोड्स थ्री सिक्सटी डिग्री कैमराज और भी कई सारे फीचर्स मैगनाइट फेस के अंदर रहने वाले हैं इस गाड़ी के इंजन को कंटिन्यू करा जाएगा यानी कि वन लीटर थ्री सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और वन लीटर थ्री सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शंस में मैनुअल और सीवी गियरबॉक्स रहने वाला है निशान मैग्नाइट फेसलिफ्ट इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी रेनॉट काइगर से वहीं इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट सेप्टेम्बर तक की रहने वाली है नंबर ट्वेल्व पे है किया ग्रैंड ग्रैंड कार्निवल। एक्सटीरियर को, का को रीडिजाइन करके और भी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और शार्प बनाया गया है इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर हमें लेदर अपॉलस्टी के साथ ट्रिपल जोन एसी, सी डुअल सनरूफ इलेक्ट्रॉनिक सीट्स वेंटिलेशन सीट्स डिजिटल क्लस्टर बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन क्लाइमेट कंट्रोल क्रूज कंट्रोल स्लाइडिंग डोर्स और एडास भी किया ग्रैंड कार्निवल के अंदर रहने वाला है हालांकि इस गाड़ी के अंदर इंजन को कंटिन्यू करा जाएगा यानी कि 2.2 लीटर फोर सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देता है किया ग्रैंड कार्निवल इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस और मारुति सुजुकी इन्विक्टो से वहीं इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अक्टूबर तक की रहने वाली है नंबर थर्टीन पे है हुडई पैलीसेड हुडई पैलीसेड का प्राइस हमें थर्टी सेवन लैक्स से लेके फोर्टी फाइव ,00 लैक्स तक का देखने के लिए मिल सकता है इंडिया में पैलीसेड के अंदर हमें टू पॉइंट टू लीटर फोर सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन ऑफर करा जाएगा जो कि वन नाइन्टी के साथ फोर न्यूटन मीटर का पीक टॉक डिलीवर करेगा इस गाड़ी के अंदर सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रहेगा वहीं हुडी सेट के अंदर हमें ऑल व्हील ड्राइव देखने के लिए मिल जाएगा डिजाइन के मामले में हुडाई पैलीसेट फ्यूचरिस्टिक होने के साथ हैवी और बल्की भी रहेगी वहीं इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर हमें ट्रिपल जोन ए सी डुअल सनरूफ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम बड़ा पेनोरामिक सनरूफ और भी कई सारे फीचर्स हुडाई पैलीसेड के अंदर रहने वाले हैं ये गाड़ी इंडियन मार्केट में कॉम्पीट करेगी टोयटा इनोवा हाईक्रॉस मारुति सुजुकी इनविक्टो और ग्रैंड कार्निवल जैसी कार्स से वहीं हुई पैलीसेड की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट अगस्त तक की रहने वाली है नंबर फोर्टीन पे है टाटा नेक्सॉन सी एन जी नेक्सॉन सी एन जी का प्राइस हमें थर्टीन लैख ट्वेंटी थाउजेंड तक का देखने के लिए मिल सकता है नेक्सॉन सी एन जी के अंदर हमें वन पॉइंट टू लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में सी एन जी दी जाएगी इस गाड़ी के अंदर ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी रहेगी जिसमें थर्टी लीटर्स के दो सिलेंडर बॉडी के अंदर इंटीग्रेटेड रहने वाले हैं यानी कि नेक्सॉन सी के अंदर हमें पूरा बूट स्पेस देखने के लिए मिलेगा साथ ही में गाड़ी के अंदर आई टेक्नोलॉजी भी रहेगी जिसकी मदद से हम नेक्सॉन को डायरेक्ट सी के ऊपर स्टार्ट कर पाएंगे साथ ही में इस गाड़ी के अंदर सी और पेट्रोल पे ऑटोमेटिक पे स्विचिंग रहेगी बाकी सब कुछ नेक्सॉन सी के अंदर सेम ही रहने वाला है जैसा कि हमें पेट्रोल या फिर डीजल के अंदर देखने के लिए मिलता है

जो कि रियर व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आएगा ये बैटरी पैक हमें 358 फिफ्टी की रेंज देगा दूसरा 99.8 किलोवाट आवर जो कि ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आएगा ये बैटरी पैक हमें 482 एटी की रेंज देगा इस गाड़ी की मोटर काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरियंटेड और टॉर्की रहने वाली है वहीं किया ई काफ़ी ज़्यादा एरोडाइनमिक फ्यूचरिस्टिक और शार्प डिज़ाइन के साथ में आएगी इस गाड़ी के इंटीरियर में हमें सभी तरह के लग्जरी प्रीमियम और फ्लैगशिप फीचर करे जाएंगे। किया EV9 की इंडिया में तीन महीने अगस्त सेप्टेम्बर और अक्टूबर में देखने के लिए मिल सकती है इनमें से किस कार का आपको सबसे ज्यादा इंतजार है कमेंट करके जरूर बताना अगर आप लोग चाहो में किसी पर्टिकुलर कार या फिर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही आई होप सो ये वीडियो आप सबको पसंद जरूर आई होगी अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई तो एक लाइक कर देना और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर